भगवान शंकर को अपना पति मानकर कर ली शादी। भोलेनाथ से गोल्डी की शादी चर्चा का विषय बनी। 27 साल की गोल्डी बनी महादेव की दुल्हन। बाराती भी घराती भी, ऐसे हुई महादेव से गोल्डी की शादी। महादेव की दुल्हन बन गोल्डी की हुई विदाई। क्या कभी सुना है? जी नहीं, ये कोई कहानी नहीं सच्चाई है। जहां एक 27 साल की लड़की ने महादेव से शादी कर ली, जहां बाराती भी आए, भोज भी हुआ और घरातियों ने बारातियों का सादर सत्कार भी किया। वैसे तो कान्हा की नगरी मथुरा में भगवान कृष्ण की दीवानी महिलाएं भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन आसानी से देखी जा सकती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे शिव भक्त लड़की की कहानी। शिव भक्त लड़की की शिव के लिए दीवानगी ऐसी, जिसने सुना वो हैरान रह गया। जिसने सावन के महीने में भगवान शंकर को अपना पति मानकर शंकर भगवान से शादी कर ली। झांसी शहर क्षेत्र की रहने वाली शिव की अनन भक्त किशोरी बैंड बाजे के साथ बारात लेकर शिव मंदिर पहुंची, जहां दूल्हे रूपधारी शिवलिंग को वरमाला पहनाकर भगवान शंकर से शादी कर ली। अन्नपूर्णा कॉलोनी की रहने वाली गोल्डी बचपन से ही शिव की भक्ति में खुद को समर्पित कर चुकी थी। सावन के पावन महीने में गोल्डी ने अपने परिवारजनों के साथ बड़ा फैसला लेते हुए शादी करने के लिए त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को अपने वर के रूप में चुन लिया। गोल्डी का कहना है कि शादी करने का दबाव पड़ रहा था, ऐसे में माता पिता की इच्छा को पूरी करते हुए भगवान शंकर से शादी करके उसने अपने माता पिता की इच्छा को पूरा कर दिया है और अपने शिव शंकर को भी हमेशा के लिए अपना लिया। देखो, हर एक कन्या होती वो चाहती है कि उसकी शादी अच्छे घर में हो, जाकर के वो वहाँ पर सुखी रहे और अच्छे से रह कर के अपना जीवन भी सफल करे और बाकी जो साथ में रहने वाले उनका भी जीवन सफल बनाए। तो यही सोच करके मैंने भी भगवान शिव के साथ शादी की और इस बात की प्रेरणा मुझे मेरे जो बचपन से लेकर के जो भी मेरे साथ बड़े रहे हैं उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं बाल्यकाल से ही इस ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हूँ और मेरे को जो बचपन से जो गाइड करने वाले थे, साथ जो रहने वाली जो बड़ी बहनें थी, उनसे लेकर के मुझे यही सीखने को मिला कि मैं आगे का जीवन इनके साथ बिताऊंगी तो मेरा पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत हो सकता है। झांसी की रहने वाली 27 साल की लड़की गोल्डी राय कवार ने सावन के महीने में भगवान शिव से शादी रचाई है। इस शादी के बाद गोल्डी राय कवार सुर्खियों में आ गई। ये अनोखी शादी झांसी के बड़ा गाँव गेट बाहर स्थित ब्रह्म कुमारी आश्रम में हुई है। शिव को पति बनाने वाली गोल्डी बीकॉम पास। गोल्डी बीकॉम पास है। गोल्डी ने मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित ब्रह्म कुमारी छात्रावास में रहकर आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी ग्रहण की है। इसके बाद झांसी लौटकर गोल्डी बड़ा गांव में बने प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान की सेवा करने लगी। बचपन से करना चाहती थी शिव से शादी। गोल्डी का कहना है कि जिस तरह से मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया था, ठीक उसी तरह भगवान शिव से शादी करने का ख्याल मुझे बचपन से आता था। धूमधाम से हुई शादी। गोल्डी ने अपनी शादी के लिए खूब तैयारियां की थी। गोल्डी ने शादी के निमंत्रण पत्र लिखवाए, बारात निकाली, मेहमानों को भोज कराया, वहीं भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप को लेकर सेहरा बांधकर बारात के रूप में रथ पर लाया गया था। महिलाओं ने द्वाराचार की रस्में भी निभाई और जयमाला और सात फेरों का कार्यक्रम भी हुआ। तो ऐसी हुई महादेव और गोल्डी की शादी।